है प्रियंका ट्वेंटी फोर में स्वागत है, मोस्ट वेलकम बिग बॉस। जिस तरह आप नाम तो प्रियंका लेके गए लेकिन आपने दीपिका पादुकोण का नया नाम दिया बिग बॉस में, नया नाम आपने जो मिला कैसे लग रहा है? मतलब यार सच कह रही हूँ, दीपिका पादुकोण इज लाइक उनका अलग ही बात है। वो उन्होंने बस मुझे मस्ती मस्ती में बोल दिया, उसको इतना सीरियसली मत लो गाइस, जस्ट लुक एट मी एंड लुक एट दीपिका पादुकोण। क्या पसंद है, प्रियंका कहलाना है या दीपिका पादुकोण, जो बोले वो नाम करना है? मेरे नाम से बोलो ना। ऑडियंस के प्यार अभी तक मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इतना प्यार मिला, क्योंकि मुझे तो बाहरी दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। अब आप लोगों से पता चल रहा है कि एक्चुअली लोगों ने मुझे कितना प्यार दिया है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसे मैं सहज के रखने वाली हूँ हमेशा। एक तरफ थोड़ा गैंग था, एक तरफ अकेला सच्चाई की, मतलब सच्चाई के साथ लड़ती थी, कहीं ना कहीं कहा आपने सक्सेस यहाँ तक पहुँचे, सच्चाई की क्या आखिर में हार किस जो सच्चाई है उसकी लड़ती थी? पता नहीं यार, मैं भी ये सोच रही थी कि यार सब तो मतलब मैंने यहीं से की है सब चीज़ें, लेकिन ऐसा कैसे, बट क्या होता है ना कि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम एट द एंड, एंड जो भी है जनता ने, जनता को पसंद मुझे भी किया है, बहुत किया राइट, लेकिन जनता ने शायद थोड़ा सा उससे और ज्यादा पसंद किया एमसी को, तो शायद इसलिए वो जीता, सो इट्स टोटली ओके। मंडली को कैप्टन था साजिद खान, पता चला साजिद खान ने दबाव में एमसी जीता, ऐसा कुछ हुआ? मंडली के कैप्टन थे साजिद जी और साजिद खान था, और उनको दबाव में जीता कि तो बोलता तो था नहीं, मैंने एमसी एक हफ्ते से बोलना शुरू किया, ऐसे कैसे जीत जाएगी? अब जीत गए हैं तो बस खुशियां मनाओ, वो देखो एमसी की हवा देखो उधर, तुम अगर आप जीते तो आपको भी हवा खाए, अभी खाए कुछ बोला था, मेरा पावर मैं दिखाऊंगा, वो पावर था ना, खा दिया? नहीं, साजिद जी बहुत सॉर्टेड बंदे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, ही इज लाइक दोस्त हैं, दोस्त का स्टैंड ले लिया उन्होंने और सपोर्ट किया, जो कि कुछ गलत नहीं है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हाँ उन्होंने अपना पावर यूज़ किया, नो नॉट एट ऑल, एमसी ने खुद वो चीज़ अर्न किया, और ये बोलकर हम किसी का वो चीज़ गवा देंगे जो उस बंदे ने खुद अर्न किया है राइट, तो वो प्यार उसने खुद अर्न किया है दुनिया से, और शायद इसीलिए विनर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि साजिद जी कोई अच्छा ही खिलाड़ी, शिव और सैन में से, तो वो तो जवाब मैंने दिया था ना उधर ही सलमान सर को, कि शायद से शिव को, क्योंकि वो फर्स्ट डे से अपनी जर्नी पूरे मतलब ही वॉज वेरी पैशनेट, पूरी जर्नी उसने बहुत ही शिद्दत के साथ की है, लेकिन अब मैं ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकती, वाई, बिकॉज एमसी की जो चीज़ें लोगों को पसंद आई वो इतना रियल था, वो लोगों को पसंद आया, ये चीज़ का आइडिया मुझे नहीं है राइट, बाहरी दुनिया का, बट डेफिनेटली अगर ऐसे कि वो इतना रियल है एंड लोग उसे इतना पसंद करें, तो डेफिनेटली अभी तो जीता स्टैन है, तो स्टैन बिग बॉस सलमान खान क्या ऐसे कुछ ज़्यादा बुराइयाँ थी नहीं मुझे, आई थिंक ज़्यादा बोलना शायद, कोशिश करूंगी। वहाँ पे सलमान खान क्या सीख के जा रहे हो बिग बॉस में, क्या सीखा? पेशेंस। और आप बिग बॉस के बाद आप नया मूवी नया जा रहे हो, क्या आप कैसे फिल्म लग रहा है, मतलब कैसे लग रहा है? अभी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं कि क्या होने वाला है बाहर क्या नहीं, सो लेट्स सी जो भी काम आएगा, मतलब कुछ भी, मैं आई एम ओपन फॉर इट। की लास्ट सवाल, अंकित गुप्ता जो है जिसे आपको टॉफी नहीं मिला रोने लग गया, उनके लिए क्या बोला था? तो ऑफकोर्स उसे बुरा लगा कि उसके दोस्त नहीं जीती, एंड इट्स नॉर्मल फीलिंग कि आपको अपने, आप अपने का अच्छा चाहते हो, ऑफकोर्स चाहते हो, तो इट्स टोटली ओके, बट हाँ मुझे ये देख के बड़ा वो लगा था कि हाँ अंकित रो रहा है, डोंट क्राई, इट्स ओके, आई वन सो मैनी पीपल, इट्स लाइक कि इतने सारे दिल जीत लिए तो और क्या चाहिए। उनको लग रहा है कि आप ही, हाँ मैंने उसको बोला भी था, अरे इतनी इतना क्या, हाँ रुक जाओ, सो इट्स ओके। दोस्त के हिसाब से नहीं करेंगे, लेवल के हिसाब से करेंगे? नहीं, दोस्त के हिसाब से। आपको जाती आती E24 के दर्शकों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर लविंग मी सो मच, और आप सबकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, टॉप 3 में भी पहुंची थी, एंड दैट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ यू, सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी।